हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज अपने बनाने वाले हैं अंडरग्राउंड अपना स्टोर हाउस, जिसमें अपने सामान रख सकें और स्टोर कर सकें। तो सबसे पहले इनको बराबर करते हैं। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता हो आपको तो लाइक शेयर ना करना भूलें, क्योंकि और सारे कंटेंट ऑन द वे हैं। और जिस भी गेम के आपको या फिर जो भी चीज़ के चाहिए, जो भी मिशन चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि व्यूज़ आप देखते हो बट कमेंट नहीं करते, तो फिर मुझे पता नहीं लग पाता कि कैसे कंटेंट मैं बनाऊं जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट्स एंड लाइक आल्सो। तो अभी पहले दीवार का काम करते हैं, और दीवार का काम सबसे पहले फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद साइड में मैं सोच रहा हूँ इधर एक बोनफायर का सेक्शन बना देंगे इस साइड में, जहाँ पे एक बोनफायर है इसको हटा के और भी ज़्यादा बोनफायर लगा देंगे। और फिर बेसमेंट का काम स्टार्ट करेंगे, पहले इस फॉरेस्ट को भी पूरा क्लियर करना है और बुशेस लगाएंगे इसमें। तो करते हैं इसको स्टार्ट और फिर कंप्लीट करते हैं इस सारे काम को। Over the edge, feel like I'm floating through. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've played it. तो गाइस, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया, मतलब बेसमेंट का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये हटा के थोड़ा सा लगाना है। उसके बाद बेसमेंट में बूसेस लगा दिया है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है बूसेस, क्योंकि इसको अभी लास्ट फिनिश तो एक पार्ट में नहीं होगा, नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से इसको फिनिश करेंगे। लेकिन एक बार इंटीरियर का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और स्ट्रक्चर जैसे ही कम्प्लीट होगा फिर अंदर और भी सारा फिनिशिंग है, जैसे कि मैट वाला फ्लोर पर लगाना है, उसके बाद ग्लासेस लगाने हैं, फिर विंडोज़, फिर प्रॉपर लाइटिंग लगाएंगे, तो सारा सिस्टम करना है। सबसे पहले एक ऊपर से मतलब नॉर्मल व्यू देते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर तो तैयार करते हैं किसी भी चीज़ का, स्ट्रक्चर के ऊपर तो फिर अपने को जो मर्जी वो बनाएंगे। तो चलते हैं फिनिश करें इसको जल्दी से, और काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर बनेगा इंटीरियर। और ये एक और बात बता दूँ कि ये अंडरग्राउंड है, सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सेफ प्लेस है, अंडरग्राउंड है। यहाँ पर आने के लिए मतलब नॉर्मली कोई नहीं आ सकता, बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड है ये। तीन स्टेप करके मतलब क्रेस्ट, मेंटल, फिर कोर में समझ लो बन रहा है ये, अर्थ के कोर में बना रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैग्मा ही मैग्मा है उधर बना रहा हूँ मैं सिस्टम, समझ लो। अगर एक बात बताऊँ तो ये थर्ड लेयर पे है, और वो लेयर काफ़ी मोटा है, कम से कम 10 ब्लॉक्स का एक लेयर है, 10-15 ब्लॉक्स का। और वैसे तीसरे ब्लॉक में मैं बना रहा हूँ इसको, तो समझ सकते हो कितना अंदर है ये। तो इसको करते हैं फिनिश, पहले तो एक राउंड को एक बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता, प्रॉपर स्पेस भी चाहिए, और मैं इसको स्पेस को और एक्सटेंड भी करूँगा अगर ज़रूरत पड़े तो, और शायद से करना पड़े तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर सोच रहा हूँ वुडन वो जो आता है वुड लगाऊँगा नीचे, ताकि बढ़िया से उस मतलब फर्श रखे। ऊपर सोच रहा था कैंडल लगाने का, बट लग नहीं रहा है ऊपर, तो छोड़ देता हूँ, बोनफायर वाले सेक्शन से ही काम चलेगा। और ये जो वुडन प्लैंक, यही बोला था मैं, तो ये वुडन प्लैंक लगा देता हूँ, और साइड में भी सब पे लगा देता हूँ इस पे एक एक करके, और इधर लगा के, और फिर अच्छा दिख रहा है ऐसे, मतलब ये टच अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा भाई, इधर साइड से लग गया भाई, तो इधर से लग गया और अच्छा दिख रहा है, मतलब थोड़ा लुक सही है। और बाकी ये कलरफुल इसलिए रखा है मैंने, इसका भी एक लॉजिक है, मतलब अच्छा थोड़ा व्यू दिख रहा है सामने से, मतलब अलग अलग कलर का, एक कलर का फिर वही गोडाउन जैसा दिखेगा। और ये सारे फर्श पे ये वुडन ब्लॉक लगेगा, तो फिलहाल तो अभी मैं बाहर से ही लाइनिंग कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये वीडियो आएगी, और उसमें करेंगे अपने, और इसमें जितना भी एडिशन होगा सब एडिट करेंगे आगे, मस्त मस्त और फ्लोर्स बनाएंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। और हाँ, वीडियो कौन सी चाहिए उसका प्रॉपर कमेंट कर देना, मैं उस पर एक ही कमेंट क्यों ना आए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा 100%।